गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज का ब्लॉग होने वाला है सचिन राज और पनीसा के बारे में। आप सबको पता है, और प्रिंस राज एंड मॉम चैनल के बारे में पूरा ही वीडियो उनके ऊपर ही होने वाला है। मैं अपने बारे में बता दूंगा, इसमें भी बिहार जिले से ही हूँ, बिहार में सिवान जिले से ही हूँ, जहाँ पर सचिन सर का घर है उसके आसपास के एरिया से ही हूँ मैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मैं अपना लाइफ स्पेंड करती हूँ, इस ब्लॉग मेरे चैनल पर आपको देखने मिलेगा। लेकिन आज मैं अपने बारे में नहीं, मैं सोची थी कि मैं अब सचिन और मनीषा के ऊपर वीडियो नहीं बताऊंगी, आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी, प्रूफ दिखाऊंगी कि कैसे क्या हो रहा है। अच्छा नहीं लगता ना गाइस, जब किसी घर में इतना कुछ हो रहा है। एक बात बताऊँ, पहले क्या हो रहा था ना कि सचिन और मनीषा का हम लोग बोल रहे थे, चलो सचिन की गलती है, उसको अपने भाई की शादी में ऐसे नहीं करना चाहिए था। प्रिंस ने स्टार्टिंग किया, मीम्स लगाया, उसको दुख हुआ, शादी के कार्ड पे नाम छपा कि नहीं छपा, ये भी एक बड़ा सिचुएशन था। तो इसे लेकर सब कोई को ही प्रॉब्लम हो रहा था गाइस, उनको भी प्रॉब्लम था, उनको भी प्रॉब्लम था। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जो चीज़ बीत गया सो बीत गया। अभी जो शादी है ना, बार बार शादी नहीं होता है किसी का। तो मुझे लगता है, मुझे पर्सनल लेवल पर लगता है कि प्रिंस को जाके ना माफ़ी मांगना चाहिए, और प्रिंस को माफ़ी मांग के सचिन सर को और उनकी वाइफ को घर पे बुला के लेके आना चाहिए, ताकि वो लोग शादी का फंक्शन एंजॉय कर सके। आप लोग का इसके ऊपर क्या कमेंट्स है? अब रहा बात कल का वीडियो, आप लोगों में से किस किसने देखा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कल सिवान में ना मार्केट करने के लिए उनका एक ब्लॉग आया था कि वो लोग सिवान जा रहे सब शॉपिंग करने के लिए। तो सारे लोग सिवान आए हुए थे, मनीषा खाना बना के रखी हुई थी। तो अगर वो लोग आए हुए थे तो फेस टू फेस, मुझे लगता है कि एक बार फेस टू फेस ये सब बात को ना क्लियर कर देना चाहिए था, और सोशल मीडिया से इस चीज़ को ख़त्म करके, और सचिन सर को शादी में जाना चाहिए था, उनके मतलब उनके फैमिली मेम्बर को, उनको उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको उनसे बात करनी चाहिए थी। अगर जिसकी भी गलती थी उसको सॉल्व कर लेना चाहिए था। गलती हर, देखिए हर फैमिली में कुछ ना कुछ गलती होते ही रहता है। तो यहाँ पर भी ये गलती हुआ है, आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर सीधे ही दिख रहा है कि ये गलती हो रहा है। तो इस गलती के लिए मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए। और आप क्या देखना चाहते हैं, आप सबको पता, जिनको नहीं पता है ना कि क्या हुआ था, तो तिलक के दिन मनीषा खाना नहीं खाई थी, फिर उसने अपनी सासू माँ से पूछा, ये सब आप मेरा पहले का ब्लॉग देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। बार बार एक ही चीज़ को घसीटना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और प्रिंस की गलती है कि नहीं, सचिन की गलती है कि नहीं, मनीषा गलत है कि उसकी माँ गलत है, उसके पापा गलत, मुझे कुछ नहीं पता। अभी मुझे इस टाइम में ना मुझे कुछ नहीं पता। आज हल्दी मटकोर है उनके घर पे, तो हल्दी मटकोर मेहंदी संगीत ऐसे सब आज स्टार्ट होने वाला है, कल हल्दी मटकोर होगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी प्रिंस चाहे तो सब कुछ कर सकता है, उसको खुद की गाड़ी लेके जाना चाहिए और हक से जाना चाहिए कि भैया भाभी आपको मेरी शादी में जाना पड़ेगा, अगर भैया भाभी आप नहीं जाएंगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। अगर कोई भाई ऐसा बोलता है तो एक भाई कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो ज़रूर ही आएगा। तो जो भी जिसकी भी गलती है, हम लोग बाद में देखेंगे किसकी गलती है नहीं है। आप लोग किसके समर्थन में, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और सारे लोग ना, सभी लोग अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, कोई सचिन के खिलाफ है, कोई मनीषा के खिलाफ है। देखिए, कोई सचिन मनीषा किसी की गलती नहीं है। जब सिचुएशन ख़राब है, इस फैमिली में अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सचिन के संग जो व्यवहार हो रहा है, उनको लग रहा है उनकी माँ उनके संग बहुत ही रूडली व्यवहार करती हैं, ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। ये देखिए, अब उन दोनों के ऊपर ही है कि एक माँ एक बेटे के संग ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं, वो लोग ही जाने। और देखिए, मनीषा के साथ वीडियो बनाने में जो प्रॉब्लम हुआ है, तो गाइस ये सबके घर में ही होता है, मेरे घर में भी होता है। अभी तक मेरी सासू माँ नहीं जानती कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं जानते, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ये सब सोशल मीडिया का चीज़। तो बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी रंजना आएगी तो उसको तो दो दिन भी नहीं लगेंगे, वो वायरल हो जाएगी, क्योंकि मनीषा की वजह से सब लोग फेमस हो गए हैं। तभी उनको फेमस होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन खुद के दम पे एस्टेब्लिश होने में, सही बात है, बहुत टाइम लगता है। और जो भी वीडियो का कंटेंट है, अगर सचिन सर वहाँ जाएंगे तो प्रिंस को लॉस तो होगा ही, तो सही, लेकिन रिश्तों में साझेदारी में लॉस प्रॉफिट क्या देखना। मुझे लगता है सचिन सर को शादी में जाना चाहिए, और खुद से नहीं, मतलब खुद से भी कोशिश करना चाहिए, उनके मम्मी पापा को एक बार लास्ट टाइम चांस देना चाहिए, बात करना चाहिए, और प्रिंस को स्पेशली यहाँ आकर इन लोगों से बात कर लेना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है, तो सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं गाइस, आपकी क्या सोच है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। मैं आप सब पे कमेंट्स करने चाहती हूँ। बाय।